इधर इटारसी के हॉकी खिलाड़ियों ने प्रशासन से अपनी नाराजगी जाहिर करने का अनोखा तरीका अपनाया है। खिलाड़ियों ने सड़क पर ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया। सड़क पर प्लेयर्स को हॉकी खेलते देख लोग भी हैरान रह गए। दरअसल प्रशासन ने मुहर्रम के ताजिया रखने की व्यवस्था गांधी स्टेडियम में की थी, जहाँ रोजाना हॉकी प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं। खेल का मैदान दिए जाने से प्लेयर्स नाराज थे। इधर हॉकी कोच कन्हैया गुरियानी ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाए कि खेल प्रतिभा के विकास और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। जब भी ऐसे किसी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए जगह की जरूरत होती है तो गांधी स्टेडियम को रिजर्व कर दिया जाता है, और ऐसे में कैसे प्रतिभाओं का विकास होगा। लगातार कई वर्षों से हम प्रशासन से बोल रहे हैं कि खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए, जबकि मुख्य सचिव जी का आदेश है, राज्य शासन का आदेश है, शहर के एकमात्र ग्राउंड में आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा कुछ नहीं चाह सकते। हमारा भी यही कहना है कि आप होली, दिवाली, दादिये, राखी बाजार, ये सब बाजार आप बंद करें, या तो खिलाड़ियों की कोई ऐसी व्यवस्था करें कि खिलाड़ी लोग अपना एक व्यवस्थित ग्राउंड जाए, हम खुद गांधी भवन छोड़ देंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है। आप कुछ भी होता है प्रशासन